Sir, I have a confusion. Oh, what's the confusion? Sir, where should I use? In front of you, before you, and opposite to you. Okay, class. Sneha is asking, sir, where we should use in front of you, before you, and opposite to you. Class, are you also confused? Yes, sir. Okay. So, now I am going to tell you where we should use in front of you, before you, and opposite to you. So, I will explain it in detail. Okay. Okay. Before you. And your second word is in front of you. Okay, class. In front of you. And your third word is opposite to you. Opposite to you. Okay. If you talk about its Hindi meaning, अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो इन सब की मीनिंग होगी सामने. क्या होगी क्लास? सामने या के सामने. ओके तो अब हम इसका एक एक करके यूज में आपको बताता हूं. सो पहला वर्ड है आपका बिफोर यू. ओके बिफोर यू का हम तब यूज करते हैं जब हम दो लिविंग्स की बात कर रहे होते हैं. तो आप किसकी बात कर रहे होते हैं? दो लिविंग्स की बात कर रहे होते हैं. जैसे मैं कहूं कि मैं स्नेहा के सामने खड़ा हूं. मैं किसके सामने खड़ा हूं? स्नेहा के सामने खड़ा हूं. तो स्नेहा भी मुझे देख पा रही है और मैं भी उसे देख पा रहा हूं. तो हम बिफोर यू का यूज हम तब करते हैं जबकि अगर दो लिविंग थिंग्स हो और दोनों के पास आंखें हो. क्या हो? दोनों के पास आंखें हो. मतलब आप जैसे मैं स्नेहा की ओर देख रहा हूं और स्नेहा भी मुझे क्या देख रही है? ओके स्नेहा को भी आंखें और मुझे भी आंखें हैं. जैसे मैं बोलूं आई एम स्टैंडिंग बिफोर द क्लास, तो आप सारे लोग क्या करो? मेरी ओर देख रहे हो और मैं भी आपको देख रहा हूं. तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? बिफोर मींस जब आपके पास भी आंखें हो और जिसकी बात करें उसके पास भी आंखें हो तो हम क्या यूज करेंगे? बिफोर यू. ओके जैसे मैं कहूं कि मैं प्रदीप के सामने खड़ा हूं, प्रदीप भी मेरी ओर देख रहा है तो क्या बनेगा? इन फ्रंट ऑफ यू, अपोजिट यू या बिफोर यू? बिफोर यू. आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू. ओके आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू या आई एम स्टैंडिंग बिफोर प्रदीप. ओके एंड इन फ्रंट ऑफ यू का हम तब यूज करेंगे क्लास जबकि एक लिविंग हो और एक नॉन लिविंग हो. जैसे देखो मैं क्या हूं? लिविंग हूं. अगर मैं कहूं मैं इस दीवार के सामने खड़ा हूं, मैं किसके सामने हूं? दीवार के सामने. तो इसमें क्या है? एक लिविंग है, दूसरा क्या है आपका? नॉन लिविंग है. मेरे पास आंखें हैं, क्या इस दीवार के पास आंखें हैं? नहीं. तो अगर एक लिविंग हो और एक नॉन लिविंग हो तो आप क्या यूज करेंगे क्लास? इन फ्रंट ऑफ यू. तो मैं इस दीवार के सामने खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम स्टैंडिंग बिफोर द वॉल और आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल. क्या बोलेंगे क्लास? यस आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल. ओके आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूं, व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो क्या बोलूंगा मैं? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं. क्या इस बोर्ड को आंखें हैं? नहीं. एक लिविंग है, दूसरा क्या है? नॉन लिविंग. मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट बोर्ड. राइट एंड अपोजिट टू का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट टू में हम क्या करते हैं कि दोनों नॉन लिविंग होने चाहिए. क्या होने चाहिए? दोनों नॉन लिविंग होने चाहिए. जैसे कि मैं बोलूंगा यह दीवार इस दीवार के सामने है तो ना तो इस दीवार के पास आके हैं ना तो इस दीवार के पास आके हैं. मैं बोलूंगा यह दीवार इस दीवार के सामने है तो हम कैसे बनाएंगे? दिस वॉल इज अपोजिट टू दिस वॉल. ओके दिस वॉल इज अपोजिट टू दिस वॉल. ओके गॉट इट. ओके तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इस मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा हूं तो आप कैसे बनाएंगे? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मेट्रो स्टेशन. ओके आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मेट्रो स्टेशन. क्यों? बिफोर क्यों नहीं यूज किया आपने? सर बिकॉज मेरे पास आंखें मेट्रो स्टेशन के पास. हाँ मेट्रो स्टेशन के पास आंखें नहीं. मेट्रो स्टेशन क्या है? नॉन लिविंग है. ओके मैं राहुल के घर के सामने खड़ा हूं. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राहुल्स हाउस. ओके आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राहुल्स हाउस. मैं मोनिका के सामने खड़ा हूं. इजी करेक्ट. मैं मोनिका के सामने खड़ा हूं. मोनिका के घर के सामने नहीं. मैं मोनिका, मोनिका भी मेरे सामने है, मैं भी उसके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल फेस टू फेस. तो क्या यूज करेंगे? आई एम स्टैंडिंग बिफोर मोनिका. ओके आई एम स्टैंडिंग बिफोर मोनिका. जब आई टू आई कॉन्टेक्ट हो मतलब आंखों से आंखें मिले तो क्या यूज करेंगे क्लास? बिफोर यू का. ओके जब आंखों से आंखें ना मिले तो क्या यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ यू का. और अपोजिट और कम कम हियर.
एंड वन कंडीशन मोर, एक कंडीशन आप यूज कर सकते हैं बिफोर यू का, ओके टर्न बैक यू ऑल्सो टर्न बैक, ओके यू ओके ओके नाउ क्लास आदित्य क्या है, देखो आदित्य का बैक दिख रहा है और स्नेहा, ओके देखो स्नेहा का आई कॉन्टेक्ट क्या आदित्य से हो रहा है, नहीं तो यहां पे मैं क्या कहूंगा आदित्य इज क्या होगा आप लोग गैस करो, आदित्य इज बिफोर यू, बिफोर यू होगा नहीं, इन फ्रंट ऑफ यू नहीं, क्या होगा अपोजिट टू इच अदर, क्या होगा जब दूसरे की आंखें दूसरे से ना मिले तो भी हम अपोजिट टू का यूज कर सकते हैं, तो आदित्य इज स्टैंडिंग अपोजिट टू स्नेहा, ओके ओके टेक योर सीट, सो आई थिंक यू गॉट, सो वेयर वी शुड यूज बिफोर यू क्लास, वेयर वी शुड यूज बिफोर यू, जब दोनों लिविंग सो जब आई कॉन्टेक्ट हो तो हम क्या यूज करेंगे बिफोर यू और इन फ्रंट ऑफ यू, जब एक लिविंग हो और दूसरा नॉन लिविंग हो, ओके और अपोजिट यू, हाँ जब दोनों क्या हो नॉन लिविंग सो, ओके तो एक दो क्वेश्चन